कर अगर सरकार की नीयत में सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है मिलते हैं पशुपति पारस से और उन्हें काफी देरी तक मुलाकात होती है, चर्चा होती है, तो इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वजा टाइम्स। क्या चिराग पासवान को बीजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं, क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएंगे या चिराग पासवान खुद ही जो है एनडीए छोड़ देंगे? क्या इसी जो है मतलब इसी तरह का माहौल चल रहा है? वो बात इसलिए चल रही है क्योंकि चिराग पासवान का जो चाचा है पशुपति पारस, उनसे बीजेपी के जो नेता है दिलीप जायसवाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो जाकर मिलते हैं, काफी अच्छे से मुलाकात करते हैं और उसमें जो चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस वो काफी जो है खुश नजर आते हैं, यानी कि उनको काफी जो है मतलब खुशी होती है मिल करके। और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ अंदरूनी डील हो, वो फाइनल हो गया हो, या उनको जो है वापसी का जो रास्ता है वो मतलब कि जो क्लियर हो गया हो कि जो है एनडीए में पूर्ण रूप से जो है वो वापस जो है आ जाए, उनको उनको ऐसा जो है मतलब आप लगने लगा हो कि मेरा रास्ता क्लियर हो गया, तो इसलिए वो खुश बहुत नजर आ रहे थे। तो इसी पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो है चिराग पासवान को आप बीजेपी धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, यानी कि उनके चाचा जब आ जाएंगे तो चिराग पासवान पर दबाव पड़ेगा, चिराग पासवान जो है मतलब कंट्रोल में रहेंगे। और बीजेपी इसलिए करना चाहती है क्योंकि बीजेपी के बहुत ऐसे फैसले हैं, बीजेपी के जो मतलब जो आरक्षण को लेकर के जिस तरह का अभी नियम चल रहा है, जिस तरह का उन्होंने मतलब नियम और लेटरल एंट्री को लेकर के यूपीएससी में जो जिस तरह का उन्होंने बदलाव करना चाह रहे थे उसका जो है चिराग पासवान विरोध किए हैं। अगर सरकार की नीयत में सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मैं मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है, आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए ये अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करे। तो मामला ये बनी थी कि जो चिराग पासवान जो है मोदी जी का जितना भी मतलब फैसला आ रहा था आरक्षण को लेकर के, खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि जो एससी एसटी के जो है मतलब जिसमें कि जो है कोटा पर कोटा जिस तरह का जो है उन्होंने नियम निकाले थे उसका जो है चिराग पासवान विरोध किए हैं, जो यूपीएससी में जो है लेटर एंट्री को लेकर के जिस तरह का जो आरक्षण का प्रावधान नहीं था उसका विरोध किए हैं, और ये दोनों जो मतलब जो नियम था वो वापस हो गया, मतलब सरकार जो है मजबूर हो गए और उन्हें जो है वापस जो है लेना पड़ा। शायद इसी जो है मतलब प्रतिशोध में जो है शायद जो है मतलब बीजेपी इस तरह कर रही है कि बीजेपी को चिराग पासवान को जो है धीरे धीरे इस तरह कंट्रोल किया जाए, इसे जो है मतलब अपने जो कंट्रोल में रखा जाए और दबाव हम पर ना बना पाए। तो इस पर कितना आपका सच्चाई है, क्या आपका सोचना है,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।